हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में क्लास टेंथ का ए लेटर टू वर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिड। डिड क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम इन्वर्टेड क्वेश्चन कहते हैं, और इन्वर्टेड क्वेश्चन को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उनकी हिंदी क्या से स्टार्ट की जाती है। तो क्या हो गया? क्या जो लेंचो है ना, क्या करता है? ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। तो क्या लेंचो ने कोशिश की थी और क्या करने की? तो लिखा है टू फाइंड आउट, मतलब होता है पता करने की। अब क्या पता करने की कोशिश की? तो लिखा है हु मतलब किसने, हेड सेंड मतलब भेजे थे, और क्या भेजा था उसका नाम लिखा था, मनी मतलब पैसे, और किसको, टू मतलब को, हिम मतलब उसे, उसको किसने पैसे भेजे थे, यह पता करने की क्या उसने कोशिश की थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हमारा आंसर यह हुआ कि हाँ उसने पता करने की कोशिश की थी, तो आगे क्वेश्चन और लिखा है उसका बाय मतलब होता क्यों, तो हमें कारण बताना है क्यों पता करने की कोशिश की थी। यदि हमारा इसका आंसर यह हुआ कि उसने पता करने की कोशिश नहीं की थी, तो उसके बाद लिखा हुआ है फिर हम काय का आंसर देंगे, वाई नॉट का। वाई नॉट मतलब क्या होता है? क्यों नहीं, उसने पता करने की कोशिश क्यों नहीं की थी, यह क्वेश्चन पूछ रहा। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है नो मतलब क्या हो गया, नहीं, जो लेंचो था ना डिड नॉट ट्राई, बाय कोशिश नहीं करता क्या करने की। तो लिखा है टू फाइंड आउट मतलब पता करने की, और क्या पता करने की, हु मतलब किसने, हेड सेंड मतलब भेजे थे, और मनी मतलब पैसे। यहां पर टू हिम रह गया है, क्वेश्चन में से पूरा लाइन ली गई है, इसका आंसर में नो लिखना है, उसने पता करने की कोशिश नहीं की थी। अब इसके बाद हमें वाई नॉट का आंसर देना है, उसने पता करने की कोशिश क्यों नहीं की थी, तो कारण बताना है। कारण जब देते हैं तो बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट करते, इसलिए कहा बिकॉज मतलब क्योंकि, ही हैड मतलब उसके पास क्या था, ग्रेट फेथ मतलब दृढ़ विश्वास था, किस में था, तो लिखा इन गॉड में। क्या बात बताई जा रही है, वह पता करने की कोशिश ली नहीं करता, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही हैड मतलब उसके पास क्या था, ग्रेट फेथ था, और किस में था, तो लिखा इन गॉड में था। और दूसरी बात ये लिखी है कि ही मतलब उसने, नेवर मतलब कभी नहीं, क्या किया, सस्पेक्टेड मतलब था संदेह करना, उसने कभी भी संदेह नहीं किया, किस बात पर, तो लिखा दैट मतलब कि, इट मतलब यह, कुड भी मतलब हो सकता है, संबंध एल सदर मतलब होता अन्य व्यक्ति, ये कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, और देन मतलब के सिवाय, किसके सिवाय, गॉड के सिवाय, ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, और क्या करने वाला, तो लिखा गुड सेंड मतलब भेजना, और हिम मतलब उसे, मनी मतलब पैसे और कोई दूसरा व्यक्ति उसको भेजेगा, इस बात पर उसने कभी संदेह नहीं किया। यहां पर दो बात बताई गई है, क्या बताया गया है, ही हैड ग्रेट फेथ, उसको बहुत ज्यादा विश्वास था, किस में था, तो लिखा इन गॉड में, और दूसरी बात क्या लिखा है, ही नेवर, उसने कभी नहीं किया, क्या नहीं किया, सस्पेक्ट मतलब संदेह नहीं किया, किस बात पर संदेह नहीं किया, तो लिखा दैट मतलब कि, इट मतलब यह, कुड भी मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, संबंध एल्स अदर मतलब अन्य व्यक्ति का कार हो सकता है, किसके सिवाय, देन गॉड मतलब ईश्वर के सिवाय किसी और अन्य व्यक्ति पैसे उसको भेज सकता है, इस बात पर उसने कभी संदेह नहीं किया। आगे ये लिखा है हु मतलब जो, क्या करे, गुड सेंड मतलब भेजेगा, हिम मतलब उसे, मनी मतलब पैसे भेजेगा, इस बात पर उसने कभी संदेह नहीं किया। अब लास्ट लाइन में लिखा हुआ है हिज फेथ मतलब उसका विश्वास किस में था, तो लिखा इन गॉड में, कैसा विश्वास था, तो लिखा बाज मतलब था, सो मतलब अत्यधिक स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, उसका विश्वास जो गॉड में था अत्यधिक मजबूत था, दैट मतलब कि इतना मजबूत था कि, ही मतलब उसने, बिलीव मतलब विश्वास किया, उसको भरोसा था, क्या भरोसा था, दैट मतलब कि गॉड ने ही क्या किया है, सेंड मतलब भेजे हैं, हिम मतलब उसे, और क्या भेजे हैं, द मनी मतलब पैसे, इस वन ने ही भेजे हैं। लास्ट लाइन में क्या लिखा है, His faith, उसका विश्वास किस में था, लिखा है इन गॉड में था, कैसा विश्वास था, तो लिखा है बाज मतलब था, सो मतलब अत्यधिक स्ट्रांग मतलब मजबूत था, इसलिए दैट मतलब कि, ही बिलीव, उसने क्या किया, बिलीव मतलब भरोसा था उसको, क्या भरोसा था, दैट मतलब कि गॉड ने क्या किया है, सेंड मतलब भेजे थे, हिम मतलब उसे, और मनी मतलब पैसे, मतलब इस बार नहीं उसको पैसे भेजे हैं।